हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आपका अपने चैनल टेक्निकल व्यूअर्स में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि आप अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं एमपी से और अच्छी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे टॉप कॉलेज हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं यार, आप इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको दो पेपर देना पड़ेंगे। एक तो पेपर का नाम है ICAR और एक पेपर है MPPAT जो मध्य प्रदेश में बेसिकली होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो उस पेपर को भी देके आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और फिर बता दूं यार कि जो MPPAT पेपर है उसको ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, लेकिन अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं या फिर STSC से वो बिलोंग करते हैं अदर स्टेट के बच्चे, तो इस स्टेट में MP की जो MP का PAT का पेपर जो होगा वो जनरल कैटेगरी से उनको उस पेपर को देना पड़ेगा, लेकिन उस पेपर को वो भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। सबसे पहले बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा में है मध्य प्रदेश। इसमें जो है MSc फॉरेस्ट्री से है, इसमें कोई भी BSc का कोर्स नहीं है। तो ये एक अगर MSc से कोई स्टूडेंट है तो यहाँ से MSc कर सकता है। ये सरकारी कॉलेज है लेकिन उतना खास नहीं है। दूसरे अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए इन सब कॉलेजों के बारे में तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, व्यू के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका जो है भोपाल में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे डायल करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों बता दूँ, इसमें इस यूनिवर्सिटी में व्यू यूनिवर्सिटी में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में भी BSc एग्रीकल्चर ना ही BTech एग्रीकल्चर है। तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAI, ठीक है। ये भी भोपाल में है, ये भी सरकारी है। इसमें भी कुछ सिंपल कोर्सेस भी हैं। चौथे नंबर पे आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका जबलपुर में है दोस्तों। और इस कॉलेज में आपका कुछ डिप्लोमा कोर्सेस वगैरह हैं और ज़्यादा यहाँ पे भी कुछ कोर्सेस खास कोर्सेस नहीं है, आप हम लोग की ज़रूरत की कोर्सेस नहीं है अगर अंडर ग्रेजुएट से आप हो। और चौथ और अगली कॉलेज है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये भी आपका इंदौर में है। ये बढ़िया कॉलेज है। इस कॉलेज से आप BSc सोशल साइंस एंड द वाटर मैनेजमेंट या फिर BSc फैशनरी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे BSc वगैरह कर सकते हैं। चौथा नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइल साइंस IIFSS, ये भी भोपाल में है। यहाँ पे भी आप कुछ कोर्सेस कर सकते हैं। अगली कॉलेज की बात करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVB, तो ये आपका जबलपुर में है। ये एक बढ़िया ऑप्शन, यहाँ पे आप BSc एग्रीकल्चर MSc कर सकते हैं या फिर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे बढ़िया है। ये कॉलेज जबलपुर या जो जहाँ पे जबलपुर में है कॉलेज, MP की टॉप कॉलेज में से एग्रीकल्चर कॉलेज में से एक कॉलेज है। आप यहाँ पे BTech एग्रीकल्चर या फिर BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये एक बढ़िया ऑप्शन है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय MGCGV, इसका यहाँ पे भी BFE एग्रीकल्चर MFE एटोनॉमिक्स MSc कर सकते हैं, या BFE एग्रीकल्चर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे आप BFE कर सकते हैं। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप VVSC एंड यहाँ पे आप डिप्लोमा कोर्सेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे पंडित शंभुनाथ शुक्ला गवर्नमेंट कॉलेज जो है, यहाँ से आप BFE वगैरह कर सकते हैं। एक अगली कॉलेज है जो सेकंड पेज में है, वहाँ भी चलते हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगला है राजमाता विजय राजे साइंस, ये बढ़िया ऑप्शन है। राजमाता जो है ये आपका विश्वविद्यालय जो है ग्वालियर में है। यहाँ से आप BFE एग्रीकल्चर BFE हॉर्टिकल्चर एंड MSc एग्रोनॉमिक्स कर सकते हैं। रानी दुर्गावती ये जो है राजमाता यूनिवर्सिटी और आपकी जो है राजमाता यूनिवर्सिटी बोला जाए और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर कॉलेज बोला जाए, ये दोनों कॉलेज हैं आपकी MP की जो है टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। और ये ICAR के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है और MPPAT के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। बस यही दोनों एक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बाकी नाम मात्र के लिए है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जो है MSc। तो बस इस वीडियो में इतना ही था यार, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। लेकिन आपको मैं बता दूं, काम की केवल अपने दो ही हैं, राजमाता है, कहने के लिए तो 12-13 है लेकिन अपने काम की जो है राजमाता है, एक जो कि ग्वालियर में है और एक अगला जो है जबलपुर में है जवाहरलाल नेहरू। बस यही दोनों है जहाँ से आप BFE एग्रीकल्चर और BFE हॉर्टिकल्चर साइंस या फिर BTech एग्रीकल्चर वगैरह कोर्सेस कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।